हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू ड्रीम डोज। देयर इज अ स्मॉल नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो नोटिस आ गया है। ठीक है, नोटिस है, आप खुद देख लो कि उन्होंने क्या दिया है। ठीक है, सो मेन चीज़ है ये नोटिस के बाद में बस इतना आपको बोलूँगा कि आगे आप क्या करना है। ठीक है, क्या ये नेक्स्ट ईयर होने वाला है? अगर नेक्स्ट ईयर होने वाला है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं नोटिस क्या है और क्या ऑफिशियल साइट पर पब्लिश हुआ है। देखो, ऑफिशियल साइट में बस यही पब्लिश हुआ है कि जो आपका जो टेंटेटिव दिया हुआ था, मतलब जो आपका जब वो पोस्ट निकला था एनटीपीसी का, तो उसमें टेंटेटिव दिया हुआ था कि जून और सितंबर में होगा, पर वो चीज़ पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, यही मेंशन है और बोला गया है कि रिवाइज शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी लेटर ऑन। ठीक है, तो अब ये फिक्स नहीं है कि अब ये होगा कब। हो सकता है कि एक महीना बाद हो सकता है कि दो महीना बाद हो। ठीक है, बिकॉज दे हैव नथिंग मेंशन इन दी नोटिफिकेशन, दे हैव जस्ट मेंशन कि ये जो टेंटेटिव होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है और द रिवाइज शेड्यूल विल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबी लेटर ऑन। कैंडिडेट आर रिवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी रेगुलरली। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, बस इतना बोला है कि ये पोस्टपोन हो गया, अब कब होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका नोटिस का। हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर हो या हो सकता है कि एक महीना के बाद हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। देखो, अभी जो एसएससी है अपना एग्ज़ाम टाइम पे ले रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप टोटली अगर आरआरबी पे ही फोकस थे तो मैं यही बोलूँगा कि मेक श्योर आप लोग अभी एसएससी के एग्ज़ाम पे भी थोड़ा फोकस कीजिए और अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, डेफिनेटली आई गारंटी यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन आरआरबी एग्ज़ाम। ठीक है, आप वो इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर बस यही आपको बताना था। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही था कि देखो, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब होगा इसका एग्ज़ाम, सो दे हैव जस्ट लाइक ड्रॉप दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। सो अभी कब होगा ये तो कुछ मेंशन अभी तक इन्होंने नहीं किया, बट डेफिनेटली ये लेट होने वाला है। तो ठीक है, तो आप इसको आप पॉजिटिव वे से लेके करो। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, बस मेक श्योर कि अब जो आपको क्या करना है, जो एसएससी के एग्ज़ाम है चाहे आपके स्टेट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, उस पर थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करो। और अगर एसएससी पे करते हो तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द आरआरबी एग्ज़ाम ऑल्सो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग ड्रीम डोज। बस इतना ही बताना था। मेक श्योर अगर आप ट्रिक से जीके पढ़ना चाहते हो, देखो डेफिनेटली आप लोग जीके तो पढ़ ही रहोगे, तो मेक श्योर हमारा जो प्लेलिस्ट है वो जरूर जाके देखिए, आपको जीके एकदम दिमाग में ड्रिल हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आने वाला है वो आपको मिले और आपको बेस्ट जीके आपको ट्रिक से आप हम लोग याद करवाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड।